सावधान। सबसे पहले राजस्थान पुलिस आरएसी का दस्ता जो महावीर जी के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजर रहा है, सब इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस जिसमें जिसका भय है अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास जिनका मोटो है, संजय जी वर्मा साहब के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरा और राजस्थान पुलिस महिला का दस्ता गीता जी जांगीर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। राम जी मीणा HPC के नेतृत्व में राजस्थान होमगार्ड का दस्ता जो पुलिस के साथ आंतरिक सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी को निभाता है सलामी मंच को NCC जो छात्र जीवन से सैन्य शिक्षा के लिए तैयार होते ये छात्र जो इस राष्ट्र की भावी भविष्य है छात्र जीवन में अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजर रहे हैं। लोवर जिनका नेतृत्व में राष्ट्र ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य चौधरी के नेतृत्व में स्काउट समर्पण सेवा विभिन्न परिस्थितियों को समाधान करना उसकी समस्या का हल करने के जिनका जज्बा है सलामी मंच से गुजरा और चंचल सुमन के नेतृत्व में गाइड जिनका उद्देश्य देश के समाज के लिए अच्छे नागरिक के रूप में उसके नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरे राज्य का भारत नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी से प्रदेश के करीब 4,63,000 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में 978 नए डेयरी दूध को और 553 डेयरी दूध महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किया गया है। हमारी सरकार ने गोवा संरक्षण के लिए सिर्फ बातें नहीं की बल्कि वास्तविकता में गोवा संरक्षण के लिए काम की। 4,638 ग्राम 4,056 डेयरी को लाभान्वित किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 69,940 करोड़ रुपये की 10,788 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके माध्यम से पूरे भाग के 13 जिलों में पेयजल जरूरतों को पूरा किया जाना संभव होगा। हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में 24,405 करोड़ रुपये का बेहतर 8,900 विकास का कार्य पूर्ण कर लिया है। संविधान के प्रमुख स्तंभकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का बहुत दूर है, जो भी पिएगा वो धारणेगा, ऐसी सोच आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार बूंदीवासियों को देशवासियों को और देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान हमारे लोकतंत्र की ताकत। ये पहला डॉक्यूमेंट है जिसने वर्गीकरण को खत्म किया, देश के 36 गांव और सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार देने का काम। कहीं ना कहीं आज हम देश को, हमारे भारत को जो दुनिया में सबसे प्रगतिशील देशों में पाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान। और एक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूं हर एक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं।
अभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आपके सामने एनडीए महोदय ने पढ़ के सुनाया और हमें गर्व है इस बात का कि हमारी सरकार राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाने में सफल हो सकी है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटीज का मामला हो, लाखों बुजुर्गों को पेंशन देने का मामला हो, गरीबों को 1 रुपए 2 रुपए किलो में गेहूं देने का मामला हो, किसानों को हजारों नहीं लाखों किसानों को बिजली मुफ्त देकर 0 बिल देने का लक्ष्य प्राप्त किया हो, और चाहे राजस्थान की सबसे बड़ी योजना जिसके बारे में देश का हर व्यक्ति देश का हर वर्ग बात करता है, चिरंजीवी योजना, आज चिरंजीवी के माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है, परिवारों की रक्षा हो रही है, बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इस प्रकार की योजना पूरे देश में लागू होगी और वो दिशा राजस्थान दिखाएगा। हमें गर्व है कि हम इस काम को, सोशल सिक्योरिटी को लाने में कामयाब हुए। एक देश के रूप में हमें अभी बहुत आगे जाना है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनके साथ में हमारा मुकाबला है और हर फील्ड के अंदर हमें आगे बढ़ते रहना, लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम एक रहेंगे, जब हम अखंड रहेंगे, जब हम हमारे देशवासियों का, चाहे वो किसी प्रदेश से हो, चाहे वो किसी भाषा से आते हो, चाहे वो किसी जाति या धर्म से आते हो, उनके प्रति मान सम्मान और बराबर का दर्जा जब हम हमारे मन में ये भावना पैदा कर सकेंगे, तब सही मायने में हम एक और अखंड होकर दुनिया के सभी देशों के साथ में भारत के नाम को बुलंद कर पाएंगे। एक बार पुनः ये आने वाली पीढ़ी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बैठी है, ये संदेश विशेष कर आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि भविष्य के अंदर देश की दशा और दिशा में होगा ये तय आने वाली पीढ़ी ने करना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस की, बहुत बहुत बधाई। सभी साहब नीचे बैठेंगे, बैठ जाओ।
एक साथ खड़े होंगे खड़े पर। बाज उसके बाण पे उतार दो सर्वों के झुंड बाज जंग की घड़ी जान या की जान गाओ दान बाज एक धनुष के बाण पे मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दे। कांधे पे जोग कदन शूठा
छात्राओं का मोत्साहवर्धन करें और 74वें गणतंत्र दिवस पर इस शानदार प्रस्तुति के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी आप आमंत्रित हैं। आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय विभागीय कार्यों के प्रति तत्परता हेतु जिला प्रशासन ने डॉक्टर कन्हैया लाल जी संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग की टीम में कर्तव्य सहायक निदेशक सामाजिक एवं न्याय अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु आमंत्रित है श्री ओम प्रकाश जी गोस्वामी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी आपके तहसीलदार इंदरगढ़ आप मंच का आमंत्रित है आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु श्री डॉक्टर मुकेश कुमार जी मीणा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष जी व्यास प्लास्टिक सर्जन श्रृंखला में आमंत्रित है सुश्री दिव्या पंडित सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल अनुभाग सार्वजनिक श्री दिगंबर दयाल मीणा सहायक अभियंता द्वितीय जयपुर जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। पुराना चंद लाल मीणा AEN पंचायत समिति हिंडौली कार्य हेतु जिला प्रशासन इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री सुनील कुमार इनका अभिनंदन करता है। श्री दिवाकर प्रकरणों का 100% निस्तारण आमंत्रित शासन आपका अभिनंदन करता है आपको बधाई प्रेषित करता है। प्रशासन इनका अभिनंदन करता है अपने अत्यंत ही उत्कृष्ट कार्य किया। श्री हरिमोहन प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्रीमती दीपिका गौरमार जैन सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्य हेतु प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्रीमती सुमनी दिलकुश मीणा कनिष्ठ सहायक कला है। श्री लोकेश गुर्जर आपका यहाँ पे परम सम्मान है। श्री राम निवास मीणा वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च आपका अभिनंदन। श्री हरिराम खटाना अध्यापक उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री पवन कुमार जी शर्मा सहायक सदर कानूगो भू अभिलेख अनुभाग जिला प्रशासन आपको बधाई प्रेषित करता है। श्री चंदन पंच प्रशासन आपको बधाई प्रेषित करता है। श्री अंकित आदित्य नर्सिंग ऑफिसर कार्यालय प्रमुख सराहनीय कार्य कर COVID-19 के वैक्सीनेशन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपको बधाई जिला प्रशासन आपको अभिनंदन करता है। श्री गजानंद बैरवा नर्सिंग द्वारा आपका अभिनंदन किया जाता है। श्री कलेक्टर कार्य को आपका अभिनंदन करता है। श्रीमती अनीता शर्मा को जिला प्रशासन आपको बधाई प्रेषित करता है। श्री अनीस अहमद रुपए के सामाजिक अनुदान आपने दिया आपको बधाई प्रेषित करता है जिला प्रशासन। श्री शिवराजन करता है। श्री योगेंद्र सिंह यादव जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री महत्व संबंधित ऑनलाइन का सराहनीय कार्य एवं विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल का कार्य सम्मानित करता है। श्री करमवीर सिंह खाड़ा उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा किया गया अभिनंदन करता है। श्री विकास सिंह आरंगी पुत्र श्री सिद्ध ऋषि कलाकार अध्यक्ष भारत शासन आपका अभिनंदन करता है। श्री राजेश कुमार व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करता है। रेणु प्रतिहार निवासी गुरु नानक कॉलोनी बूंदी है बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री कुलदीप सोया राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आमंत्रित है। बूंदी के अंतर्गत सफाई कार्य में महत्वपूर्ण योगदान आपने समय बद्धता से पालना श्री महावीर प्रसाद शर्मा प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं प्रशासनिक श्री माधव लाल सैनी सहायक कर्मचारी कलेक्टर बूंदी सहयोग रीडर अनुवाद में सराहनीय कार्य तहसीलदार बूंदी उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु समाधान जिला एवं सेशन बूंदी समाज सेवा के क्षेत्र में स्वागत करता है। श्री मोहम्मद बूंदी
शिकस्त एवं सरात सनाट्य पूर्व बन्ने कहना चाहूंगी। अगली कड़ी में श्री निरंजन जिंदल दीपावली एवं मोदी उत्सव के दौरान आपकी सराहनीय साथ सज्जा हेतु प्रशासन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। किसी श्रृंखला में आमंत्रित है श्री दिनेश जी। रनिंग क्लब के अभियान फिट इंडिया फिट शाम सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मानित करता है, आपका अभिनंदन करता है। पुरुषोत्तम जी ग्राम जड़ला पोस्ट पापड़ी तहसील इंद्रगढ़ जिला भूदौरणी पाड़ा जामा मस्जिद के पीछे नानक कॉलोनी कौमी एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव हेतु मानसिक एवं विचारात्मक सहयोग का सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया गया। मिशन मानस चांदनी बरियानी मिशन मानस कोऑर्डिनेटर मिशित में आपकी सराहनीय कार्य हेतु प्रशासन आपका पर्यटन गाइड बूंदी पर्यटन के शेर सिंह निवासी गुड़ा नाथावतार जारी लाल की ओझा स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी है। अभिवादन करता हूँ श्री सुखपाल जी प्रजापत आज श्री सोजी लाल जी प्रजापत ग्राम बबलाना हिंडोली वन्य जीव एवं पक्षियों की आवाज निकालने वाला बालक। अरे वाह वाह चल रहे बेटा वाह 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 हाँ मोर की माइक चल ये इस मंच पर इस बालक ने साबित किया कि कला का कोई सानी नहीं है और अपनी प्रतिभा से सबका दिल लूट रहे माध्यम से अपना प्रदर्शन किया है। जिला प्रशासन आपको बधाई प्रेषित करता है। श्री महा का अभिनंदन करता है। श्री यदुनंदन जी शारीरिक शिक्षक प्रशासन आपको बधाई प्रेषित करता है। अगली कड़ी में श्री हरीश कुमार महावर करता है आपको सम्मानित करने प्रकार की योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु प्रशासन श्री श्रीमती विमला कुमारी बाजिया श्री शत्रुघ्न सिंह दर्शकों में मनीष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक न्यूज में जो है आप सबका अपना विश्वास आज 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश को देश के सर खेलों के लिए क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? तो आपसे बहुत प्रभावित है सर क्योंकि खेलों में आज राजस्थान को पर्याप्त मौके हैं बच्चे अपने भविष्य को खेलों के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं। बेस्ट खिलाड़ी तो बन ही सकते हैं उसके अलावा उनकी पूरी जीवन खेलों में सुरक्षित हो सकती है। ऐसी व्यवस्थाएँ राजस्थान सरकार ने मान्य अशोक गहलोत जी ने कर दी है। उन व्यवस्थाओं की राजस्थान एक मॉडल स्टेट में उभर कर आने वाला है। थैंक यू। इसी के साथ जुड़े रहेंगे दर्शन।